भाई ये जो हिल रहा है ना इसका गेम हो जल्दी से सुनो ना ये वाला कर दो तुम ये वाला चेहरे पर काफी टेंशन आ तो गया हूँ ओनर साहब जो हैं वो हमारे बिल्कुल समक्ष बैठे हुए हैं नमस्कार नमस्कार भैया हम तो सिर्फ पसार डबराल ठहरे अच्छा बिजनौर के रहने वाले बिजनौर भी रह के आए उसमें भी धामपुरी आए अच्छा धामपुर की रियासत धामपुर की सियासत किसी के समझ ना आए चलो मियां लेट्स गो यार मट्टू गोलू के घर के सामने थोड़ा गाड़ी रोकना ठीक है तो भैया मैं कह रहा हूं नहीं नहीं तो भैया हम लोग निकल गए हैं वो जसगार रिजॉर्ट के लिए और एक जगह मतलब हम लोग इनवाइटेड है वहां पर एक फंक्शन है उनका सेरेमनी टाइप की है वो आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा फिलहाल जो है मट्टू हमारे साथ हैं और मेरी माता जी हेलो ए माता जी हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो और ये दूसरी वाली है नमस्कार मीनू जी नमस्ते स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में यू वाचिंग प्रियंका आर्य बहुत बहुत शुक्रिया इन तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए भैया मैं तो सिर्फ एक बंदे का फैन हूँ हरी लेल लाल लेल हरी रेल लाल रेल पलंग के नीचे घुस गया था हंसते हंसते मैं भाई पन्नी क्या फेंक रहा शर्ट फेंक सिर्फ एक दो चल ठीक है मिलता हूँ अभी गया बस शाम को आ रहा हूँ वापस ये शर्ट जो है हमने ले ली है गोलू से नई शर्ट है एकदम ये वाली पहनेंगे वहाँ पर कैसी लग रही है मीनू कह रही है शर्ट कुछ ज्यादा ही चमकीली सी है ज्यादा ही पार्टी वेयर है ये दो सवारी जो आगे बैठी हैं इनको हम लोग ने कहीं छोड़ देना है रिलेटिव के यहाँ अपने फिर मीनू और मैं निकल जाएंगे आगे पहाड़ों की ओर चलो टाटा चलो ठीक है आ जाओ आ जाओ चलो भाई टाइम लगेगा थोड़ा सा ठीक है मिलते हैं ये लोग जा रहे हैं मामा के यहाँ हम लोग ने जो है कोटद्वार छोड़ दिया इस तरफ देख रहे हैं आप ये सिटी वाला मामला है पूरा अब जैसे ही हम इधर मोड़ेंगे गाड़ी और आगे देखेंगे तो आपको पहाड़ नजर आएगा थोड़ा सा अभी ये वाले में तो स्लाइड हो रखा है पूरा ये वाला टूटा हुआ है बट हम लोग अब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे और सीधा पहाड़ों के अंदर होंगे कोटद्वार और पहाड़ों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है गाइस आप बस देखते जाएं जिस तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये उतना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा सब कुछ अगर हम लोग ये सोचते मतलब ऐसे सोच ही लेते कि बाइक से निकल लेंगे और बाइक में आते इतनी धूप में तो राख हो जाते एकदम तो हमने अपने मामा जी की गाड़ी उठा ली तो वो जो शर्ट गोलू से ली है वो चाहे पार्टी वेयर हो पर वो पहननी पड़ेगी क्योंकि नहीं खौस हो रही है खौस ये सारे सफेद सफेद दौरे फट रहे हैं भाई इज्जत तो बची रहेगी ये देखो ये कितना भयंकर है भाई यहाँ पर रास्ता इसकी कुछ नहीं है इधर लेफ्ट साइड में खाली हो रहा पूरा खाली तो भैया अभी हम जहाँ पहुंचे हैं नीचे ब्रिज दिखेगा अभी देखो देखा यही वो लैंडमार्क है जहाँ से हमको लेफ्ट लेना है तो भैया वो जो रास्ता दिख रहा है वो मेन रूट है उस रूट को छोड़ के हम नीचे उतर के इस ब्रिज पे आ गए और ब्रिज के नीचे यहाँ से नदी भी बह रही है हम यहीं पर जो है चेंज भी कर लेंगे गाइस मतलब मैं चेंज कर लूंगा यहाँ पर क्योंकि फिर इसके बाद ऊपर जाके सीधा रिजॉर्ट ही आ जाना है फिर डायरेक्ट इतना बढ़िया लग रहा है गोलू की शर्ट जो है यहाँ पर काम आ जाएगी ठीक लगेगी तो बताना नहीं तो उतार दूंगा इसके साथ तो पैंट अच्छी लगेगी साले ने क्या दिया है उसको गोलू को भी कोई सेंस नहीं है फैशन का टी शर्ट तो उतार दे अंदर की तुम्हारे पास कौन सा बड़ा अच्छा सेंस है तुम्हारे पास तो गोलू भैया के दोस्त हो तुम भी ये लो कैसा है बैंड वालों ने गीत किया मिसाली सटुले जैसी दौड़ को इसमें अच्छा लग रहा है वीडियो में तो बहुत प्यारा लग रहा है वैसे सही है इतना बुरा भी नहीं है अच्छा है ठीक है बढ़िया चलो वो टी शर्ट के साथ बहुत बुरा लग रहा था बट अभी इट्स नाइस यू लुकिंग हैंडसम नजर ना लगे मेरी थू 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 चलो सतना अच्छा लग रहा अरे आप भी देख भाई उड़ गए सारे जिस रूट पे हम आ गए हैं ये रूट है ऐता का रूट ऐता गाँव ऐता और ये पुल का नाम भी ऐता हाँ इस बैंड को ही ऐता कहते हैं जहाँ हम जा रहे हैं मैं आपको अब डिटेल में बता देता हूँ ये वही लोग हैं जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था तो इनके चैनल पर काफी अच्छी रीच भी रही चैनल ने 1K सब्सक्राइबर भी पार किए तो मतलब उन्होंने इस लायक समझा मेरे को कि यार आप थोड़ा गुड लक टाइप हो और प्लीज आप लोग ज्वाइन करें हमको इस सेरेमनी में जय माता दी तो वो 1K सब्सक्राइबर्स पार करने पर भी एक छोटी मोटी सेरेमनी कर रहे हैं
क्या बोलते हैं उसे, छोटी छोटी खुशियों पे दिल मारे छलांग। तो रजिस्टर करनी चाहिए आपको भी, आपके जीवन में भी कुछ बेहतर हो, आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आ जाए, रजिस्टर कीजिए उसको, अंकित कर लीजिए कहीं ना कहीं। पहला 1K तो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, स्पेशल होता है, मेरे लिए भी था। हाँ। तो वो लोग उसको मना रहे हैं अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि आप अगर ज्वाइन करोगे हमको विद वाइफ, ये बहुत कैसे खेल रहा है। उन्होंने बोला कि आप भी अगर ज्वाइन करोगे तो बहुत ही खुशी की बात है। मैंने कहा इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है, मैं आपके काम आया। तो उनका एक रिजॉर्ट है आगे जसगार नाम से, बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट, उस रिजॉर्ट में हम लोग आज ये सेरेमनी जो है, और उनके 1K सब्सक्राइबर्स जो है स्वर्णिम अक्षरों में और इस व्लॉग में अंकित करने वाले हैं। हम रात को वहां रुक भी सकते थे, दे सेड कि आप रुकने के लिए आ जाइए, बट यार वो है बस ये बात कि मीनू को कल सुबह सुबह दिल्ली निकलना है, मीनू और लवी दोनों, ये दोनों निकल जाएंगे, तो हम रात को यहाँ रुकेंगे तो सुबह सुबह 4 बजे कोटद्वार पहुंच के दिल्ली निकलना मुश्किल हो जाएगा बहुत। आगे सामने आपको जो नजर आ रहा है यही गेट है उस रिजॉर्ट का, यही से हम ऊपर के लिए चढ़ जाएंगे। आइए चलिए मीनू जी। ये कितनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पर यार, अभी अंदर जाके देख के बताते हैं आपको। सूरज भाई बाबू जी को प्रणाम, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हम लोग इन टाइम है। हाँ? है ना? हाँ। अभी पहुंचे होंगे सब? नहीं हम तो 2 बजे आ गए। 2 बजे आ गए। चलो आ जाओ, यहाँ की स्पेशलिटी दिखा दो जरा हमको। लैंसडाउन का भी दिखता है। हाँ वो लैंसडाउन नजर आ रहा है, जो वो डेस्टिनेशन है लैंसडाउन फेमस, वो नजर यहाँ से बहुत पास नजर आ रहा है, पर है बहुत दूर वो। उत्तराखंड में सबसे पहले डोम्स बने थे यहीं पर, उत्तराखंड के पहले डोम्स यही है। बेहतरीन। नॉर्मली रिजॉर्ट तो पूरा और भी है, पर ये वाला एरिया जो है यहाँ पर डोम्स है। मैं पहले देख के जा चुका हूँ जसगार, पहले आया हूँ मैं यहाँ पर। बर्ड्स वॉचिंग का अगर कोई शौक रखता है तो यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। बढ़िया है, बहुत सारी बर्ड्स हैं वहाँ पर। मंदिर है, और ये कितने बढ़िया लग रहे हैं भाई। वो रिसेप्शन है, वहीं डोम्स वाले एरिया भी हैं, बट हम लोग अब इस तरफ आ गए हैं रिजॉर्ट में, जिधर अपने एडवेंचर पार्क भी इस तरफ है। और यहाँ पर मतलब हम लोग टेंट वगैरह लगवाते हैं। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया, घूमो फिरो यहाँ, खेलो, ये पूरा एडवेंचर पार्क है यहाँ पर। अरे वो वीडियो देखा ना आपका? हाँ अभी, वो वोटिंग वाला बहुत अच्छा। अरे धन्यवाद, आज ही शूट करा हमने। लैंसडाउन में सबसे बड़ा होगा जसगार ना, जसगर, सही प्रोनाउंसिएशन जसगर है। जसगर है भाई, इस पे ऊपर चढ़ू? हाँ हाँ चढ़ो चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ भाई, ऐसी ऐसी सीन है यहाँ पर। हाँ इधर से वापस भाई, ये जो हिल रहा है ना, ये फिर वाइब्रेशन की ओर ले जा रहा है मुझे। मेरी वाइफ पे जरा ज़ूम करना, बहुत इंतजार कर रही हूँ। 30 का गेम हो जल्दी से मीनू। अबे हंस क्या रही है तू आना भाई, ये करने के लिए भी थोड़ी फिटनेस चाहिए, मतलब ऐसी कोई नहीं चढ़ जाएगा यहाँ पर। सूरज तू इंतजार तो नहीं करनी चाहिए? उसमें चलो, उसमें बहुत मजा। आ जाओ फिर, आ जाओ मीनू, एक्सरसाइज ज्यादा हो गई यहाँ पर। हाँ ये इसमें चढ़ो, इसमें यार। इसमें चढ़ना कैसे यार ये भाई, आप फिटनेस सही है यार आपकी, पीछे के लिए आ रही है। अरे फिटनेस सही है आपकी, है ना? मैं अभी चढ़ नहीं पाया। वाओ सच में बियर गिल्स, ये बियर गिल्स भाई, फिटनेस अच्छी है आपकी, थोड़ी बहुत कुछ भी है यहाँ पर, कुछ भी, यू नेम इट एंड दे हैव इट। मीनू तू कर ले कुछ यार, तो यहाँ पर आकर फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखा गया आपका। ये तो है जाने यार, आराम से उस पे। तुम ये चाह रहे हो ना मैं गिरूं? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चढ़ना है।
सूरज को पहली हंसी आ रही है, इधर जैसे बीच में जाएगा वैसे ही ज्यादा हिलने लग जाता है वो। चेहरे पर काफी टेंशन आ तो गया हूँ। फोन भी उठा रहा है बंदा, देखो ऐसे एडवेंचर में। क्या बोल रही है मैम, आ जाओ अब हम लोग वहीं चलते हैं, मिलते हैं उनसे। इस पर रस्ती है, इस पे गिर गया था मैं अभी, ये बहुत हंसी मतलब फिसल गया था, बच गया। चलो बढ़िया भाई, तुम्हारी फिटनेस भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी वेट कर रहा हूँ इनू। तू भी गिरे। हाँ गोली, हम तो हमने खेल ली झूले वाले। कम आते ना यार, कम आते। सेकंड टाइम आया तुम लोग, कम आते ना यार। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ये लोग वही हैं जिन्होंने एडिट किया था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हेलो, कोई नहीं भैया, धन्यवाद। क्या बोला? क्यों गिरती मुझे? तो भाई हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, सेरेमनी बस स्टार्ट होने ही वाली है और ओनर साहब जो हैं वो हमारे बिल्कुल समक्ष बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में केक काटेंगे, पहले मैं आपका थोड़ा परिचय करा देता हूँ उनसे। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दे दें आप जरूर। भैया हम तो सिपसा डबराल ठहरे। अच्छा। बिजनौर के रहने वाले, बिजनौर भी रह के आए हैं, उसमें भी धामपुरी आए। अच्छा, धामपुर की रियासत, धामपुर की सियासत किसी की समझ में आए। तो आप एक्सेंट भी समझ गए होंगे कि बिजनौर भी होके आए हैं। बिजनौर में मेरा भी काफी रहना हुआ। हम लोग तो जितने भी सुधरे हुए बिजनौर जाके सुधरे हुए, नहीं तो गढ़वाल में आ गए तो बिगड़ गए थे। पर आप ओरिजिन से तो गढ़वाली हैं। हाँ, मैं ओरिजिनली बिल्कुल गढ़वाली हूँ। हाँ। एक किरांद बिल्कुल जो एक एक डायलेक्ट उनके पास है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जसगर के बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताएं। हाँ, जसगर जो है वो एक, हम इसको रिजॉर्ट है, होटल तो बोलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जसगर जो है रोज जो उत्तराखंड में किस प्रकार का रोजगार होना चाहिए उसका एक केंद्र बने, मतलब उसके उत्पत्ति स्तर बने। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे आपको आने वाले फ्यूचर में आपको ट्रैकिंग करनी है, आपको कैंपिंग करनी है, जंगल सर्वाइवल जाना है, जंगल कैंप करना है, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जुमारिंग करनी है, आपको माउंटेनियरिंग करनी है, आपको विलेज टूर करना है, आपको नदी से रिलेटेड जितने प्रोग्राम करते हैं, इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम आप पहाड़ में कर सकते हैं उसको, इसको हम बेरोजगार लड़कों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने वाले हैं। अच्छा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर आपको कोटद्वार में कोई गाइड की आवाज लगाते हुए मिलेगा, या देहरादून से निकलते अगर टूरिस्ट को कोई गाइड की आवाज लगाते हुए मिल रहा है, या नैनीताल जाते समय कोई रस्तों में मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये जरूर उसमें सुगंध आएगी, सारे बच्चे जो है जसगर के प्रोडक्ट है। अच्छा, ये कोशिश है। चलिए, बेहतरीन काफी, ये बहुत अच्छा लगता है जानकर कि कोटद्वार में, हमारे कोटद्वार में ऐसे विजनरीज हैं और काफी बेहतरीन, काफी ब्यूटीफुल विजन है आपका। तो वो तो आपके समक्ष बैठ के भी मालूम पड़ रहा है, काफी पॉजिटिव वाइब्स। बगल में बैठो ना, इनके बगल में बैठ के वैसे ही पता चलना है। तो मैम भी यही है सामने हमारे, मैम ने हमारा पॉडकास्ट जो लिया था और वो पॉडकास्ट वाली जर्नी जो है वहां से हमारा परिचय जो शुरू हुआ है। आप भी थोड़ा बहुत बताएं, कुछ कहें किस बारे में कि आज जो हम एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली हम लोगों ने 3 महीने पहले अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया था द DMD शो के नाम से, और उसमें हमारे पास बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कई लोगों ने बताया कि ये है, ये एक्टिंग करते हैं, ये थिएटर करते हैं, तो मुझे लगा एक प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें गुरुद्वार में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारे गुरुद्वार में भी बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक हमारे पीकू है जो कि ये व्लॉग बना रहे हैं, प्रियंक। और जब मैं इनसे मिली तो मैं वाकई बहुत इम्प्रेस हुई, क्योंकि इस एज में इनबिल्ट एक क्वालिटी है, साथ में व्लॉगिंग करते हैं, अपने गढ़वाली एसेंट को लेकर चलते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। तो हमें लगा हम एक छोटी सी सेरेमनी करें, एक गेट टुगेदर हमारा आज अपने सारे हम लोगों का, हमारी टीम का है, और पीकू को हमने स्पेशली इन्वाइट किया है क्योंकि अभी तक हमारे जो पॉडकास्ट हैं इसमें मोस्ट व्यूड वीडियो जो है वो पीकू का है, तो ही डिजर्व इट। उसके अलावा एक और भी है कि पीकू हो चाहे उनके हस्बैंड, दोनों हाइब्रिड हैं, आधे गढ़वाली आधे बिजनौरी। ये तो है भाई, हम बिजनौरी और गढ़वाली दोनों बोल लेते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस, बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पर आकर, और अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जसगर आना भी। अब आप व्यू देख लीजिए कि किस तरह का व्यू है, किस जगह पर हम लोग ये सेरेमनी करने वाले हैं, बहुत ही अलौकिक, एकदम अद्भुत। और टीम से भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ, जो मैम की पॉडकास्टिंग टीम है वो उस तरफ वो भी बैठी हुई है, सबसे है ना, जो भी लौंडिया जो बैठी हुई है सबसे मिलवा लो, इन्हें भी देखूं जरा कौन कौन है यो। सर मेरा नाम संजय गिल्डियाल। अरे नमस्कार, धन्यवाद। मोहित जी, सचिन भाई,
शालिनी इनसे तो आप मिले हैं पहले भी जिस दिन पॉडकास्ट था उसके हिसाब से। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सूरज भाई मैं वही वीडियो में तो देख लिया। चलो आप लोग भी कहें भाई हेलो, अपना नाम बताएं। हेलो जितेंद्र। यार वैसे बताओ जो अभी बताया था। जीतू और आप राहुल। राहुल जितने पत्थर लगे हैं सारे जसगर में ही निकले हैं। 6,000 ट्रक पत्थर यहाँ तोड़े गए और पत्थर भी ऐसा कि वो जैसा वहाँ पे रिसेप्शन के सामने वो इग्नियस रॉक टाइप ना हार्ड। हमने जयपुर से मंगवाए थे लोग। इस रिजॉर्ट के कंस्ट्रक्शन में 6,000 ट्रक पत्थर तोड़े गए। हाँ मतलब बहुत, और वो भी इतना हार्ड कि जयपुर से हमने यहाँ पे स्टोन कार्विंग वाले बुलाए, उनके ब्लेड्स टूट गए। उन्होंने कहा भाई ये ना टूटे, माफ करो खाना नहीं है तुम चलो खाना नहीं है। ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर आवर डीएमडी शो। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, हम सभी को। सर क्या है इसमें सबूर का पता चल रहा है। ये चम्मच अपने पास ही रखना, अब इसी से खाना। ये आपके लिए है। ज्यादा देर है बड़ो। ये आपका चम्मच है। तुम नजर फिर भी है। मुझे कम मिला तो हम क्यों रखेंगे अपने? हमको कम कम मिला ना। मेरे से अभी खा लेना। स्प्रिंग रोल्स, पकोड़े, हनी चिल्ली, पोटैटो और नूडल्स। बिल्कुल ज्यादा मत ले। चुप रहे यार, तेरे से कभी ले रहा हूँ। पीछे से सारी लाइन। खा लिया तुम लोगों ने? दिन में आए थे। अच्छा तुम पहले आ गए थे। ये लोग भाई इतने सारे, ये देखो इनकी प्लेट, मेरी तो कुछ नहीं, इनकी प्लेट देखो तो। चलिए भाई अब चलते हैं हम लोग, स्नैक्स स्नैक्स सब हो गए हैं। बाल भी कटवाया। सूरज भाई ने कल हेयर कट भी लिया है प्रूफ पूरा। वाइफ ने बोला था, वाइफ ने बोला था स्पेशली। देखो देखो प्रॉपर सुनता है वो वाइफ की। मैंने तो साफ ही कर दिए। इतना हमने व्लॉग में शूट नहीं किया है जितना कंटेंट जो सर पीछे खड़े हैं इन्होंने दिया है। बहुत ही भयंकर भाई, पेट दर्द कर दिया है बहुत देर से। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। और होप की जल्दी मुलाकात हो फिर से आपसे यहीं पर। आपको भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और जल्दी से जल्दी आप नए आयाम गढ़े हैं इसमें, ये हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब चलते हैं। ये है, इसका नाम ब्रूनो है भाई, ये यहीं रहता है। चलो यार हम 4-5 जन निकल गए हैं साथ में कोटद्वार तक। सूरज भाई भी है उसमें, मीनू भी है, और ये क्या नाम है? दीपाली भी है, मीनू भी है, वो भाई भी है साथ। एक प्राणी हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर मिठास के सामने कोटद्वार में। चल ठीक है, तो 20 रुपए आएगी भैया। वो की भाई भाई आपसे, वो तो दोस्त बन गई। चलो सूरज भाई धन्यवाद है, बहुत अच्छे लोग, दोनों अच्छे लोग। चलो ठीक, फिर मिलते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ओके बाकी हीरोइन मिल गई है। सूरज ने मीनू को पटा लिया कि भैया आप ही करोगे भाई, इस गाने में बोला आप ही करोगे। ओके बाय बाय। मम्मी के लिए भी लाए? सब ला रखा हूँ, ये हम खाएंगे बाकी की, तेरी तरह थोड़ी हम। अभी खाओगे? खाने के बाद खाना ना। जस्ट अभी अभी पहुंचे वहाँ, अभी अभी आ रहे हैं। कैसी हैं आप? आपका कल गुलेल वाला व्लॉग बहुत फेमस हो गया, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि ताने बहुत तगड़े हैं आंटी के। सच में तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए आप जॉइन का बटन भी दबा सकते हैं, उसके अलग मजे हैं, गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज व्लॉग्स आ रहे हैं।